खिला दो। आज हम आए हैं अड़ाजन के फेमस गंगेश्वर महादेव मंदिर में श्रेष्ठा के साथ। देखो कौन है यहाँ पे, कौन से भगवान जी है? शंकर भगवान है। ये देखो, ये दुर्गा माता है ना यहाँ पर, देखो। गणपति पप्पा अच्छे लगते हैं तुमको? और दुर्गा जी नहीं अच्छी लगती? देखो गणपति पप्पा यहाँ पर है, ये रहे गणपति पप्पा। तो अभी आजकल श्रेष्ठा के फेवरेट जो गॉड है, भगवान जी है, वो है गणपति पप्पा। इधर हनुमान जी है और उधर देखो, उधर भी दुर्गा माता का फोटो है। आ जाओ इस वाले में, ये देखो इसमें, यहाँ पर हनुमान जी भी है, देखा? ठीक है, यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, सब भगवान जी हैं यहाँ पर। तो श्रेष्ठा, तो आज हम आए हैं अड़ाजन के फेमस शिव सागर रेस्टोरेंट में। डाइनिंग हॉल है ये, रेस्टोरेंट भी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपको डिनर और लंच मिलता है। तो आज हम यहाँ जाकर देखते हैं यहाँ की खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों को। यहाँ जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं पतली पतली सी, इसमें हम आ जाएंगे अंदर। और आ गए हैं, देखिए यहाँ पर थाली अनलिमिटेड पंजाबी 100 रुपए। अब हम लोग आ गए अंदर और यहाँ सब स्कूल के बच्चों की पार्टी है। तो हम गए थे रेस्टोरेंट, लेकिन वहां पर चल रही थी पूरी किसी स्कूल की पार्टी, तो वहां काफी टाइम लगने वाला था और इन लोगों को काफी भूख लगी थी, तो हम लोग जल्दी से, और इसके बाद हम पहुंचे मैसूर के, हम लोग घर चले जाएंगे। बहुत वेटिंग, घर जाके खाना खाने है कि नहीं, क्योंकि जितना देर लगेगा दूसरे रेस्टोरेंट में जाने में, उतनी देर में तुम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो शिव सागर रेस्टोरेंट जाकर हमारा हो गया पोपट डाइनिंग हॉल, क्योंकि वहां पर बच्चों की पार्टी चालू थी जो कि जल्दी खाली होने वाला नहीं था, इसलिए हम लोग वहां से निकल कर आ गए। अब दूसरी के रेस्टोरेंट में जाने का ट्राई करते हैं, फिर वहां देखते हैं क्या मिलता है हमें। अगर वहां का एमबीएस ठीक होगा तो वहां रुकेंगे, खाएंगे, नहीं तो उसके बाद लास्ट ट्राई है, घर जाएंगे। और अभी हम इस वक्त निकल रहे हैं सरदार ब्रिज के ऊपर से। ये सूरत का सबसे पुराना ब्रिज है जो तापी नदी पे बना है। ये एक साइड पे इधर तापी नदी है और इधर भी, इधर से दिखेंगे नहीं क्योंकि हाइट थोड़ी कम है। वहां पर दूसरा ब्रिज भी है। आते को गुस्सा आ रहा है। तो सब जगह घूम फिर कर आज हमें कहीं भी खाना नहीं मिला, हर जगह पर बहुत भीड़ थी या लाइन लगी हुई थी, इसलिए हम वापस आ गए घर में। और ये देखिए फाइनली हमें अपने घर में ही खाना नसीब हुआ। तो ये एक फटाफट घर आके खाना बनाया गया और ये है आज का लंच। और श्रेष्ठा को भी बहुत भूख लग रही थी, लेकिन सब रेस्टोरेंट में इतनी लाइन थी कि हम लोग फटाफट घर पे आ गए, उससे जल्दी तो हमने घर में खाना खा लिया और अब आदमी भी खाना खा रहा है। तो इस तरीके से देखिए, कभी कभी आपको बाहर खाना नसीब नहीं होता है, घर में ही आपको जो लिखा होता है खाना वही मिलता है। यहाँ पर हमने बना लिए मसाला पापड़, छाछ और सब्जी चावल।